नमस्कार भूपेश काका राम राम जोहार का हाल चाल है लगते तोर छत्तीसगढ़ में तोर शासन काल में तोर नेतृत्व में तो कलेक्टर मन जनता बार कोई अलग नियम तय करते हैं और उद्योगपति और बड़े बड़े कंपनी मन के मालिक मन पर अलग अलग नियम तय करते हैं रायगढ़ जिला में कोरोना के बढ़ते प्रभाव ला देख के तो रायगढ़ जिला के कलेक्टर हर सब प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम ला स्थगित कर दी से यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज ला भी बंद करा दी से लेकिन ऐसा कौन सा मजबूरी ऐसा कौन सा जरूरी है ऐसा जनता के कौन सा हित साधना है कि एक कंपनी के जन सुनवाई ला कैंसिल करे में कलेक्टर ला समस्या होते कलेक्टर हर का कलेक्टर ही करा थे ये ला थोड़ा तो चिंता करना पड़ी का ये जो तो रायगढ़ जिला के कलेक्टर है ना ये जनता हित ऐसी ना के ना होके उद्योगपति मनक दलाली करा थे ऐसा मोला लागत है ये जन सुनवाई हर रुकना चाहिए लेकिन अभी तक रुकत नहीं है ये बहुत दुखद है जिस प्रकार से तें अपन मजा ले भर क्रिकेट कराए के कोरोना ला बढ़ाए रहे ना का, का उसी प्रकार से मोला लागत थे कि ये रायगढ़ जिला के कलेक्टर हर जन सुनवाई करा के कोरोना ला है हमार जनता के जान के दुश्मन बने बर तुली से रायगढ़ जिला के कलेक्टर हर रायगढ़ जिला के कलेक्टर ला सोचना चाहिए आत्मचिंतन करना चाहिए मंथन करना चाहिए कि और का चाह थे जन सुनवाई करा के और कौन सा तीर मारना चाहते जब सब प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम स्कूल कॉलेज जब बंद कराए के और आदेश दी से तो ऐसा कौन सा अनुबंधन है ऐसा कौन सा गठबंधन है कि जन सुनवाई बंद कराए में कलेक्टर साहब के कोई रुचि नहीं है जन सुनवाई लग बंद नहीं कराना चाहते तो काका छत्तीसगढ़ ला संभाले भर थोड़ा सा दोहरा नीति लगा बंद करिए दो नीति ये दो प्रकार के चाल एक तरफ जनता ला किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम करे पर पाबंदी लगा देना और एक तरफ उद्योगपति मनक हित में जन जनसुनवाई अभी नहीं रोकना ये ठीक नहीं है का काका देख ले तो अधिकारी मनक मनमानी तंत्र है या तोरा तोर निर्देश ले तोर सह ले शायद तोर मर्जी हो एक बार कर तो ही तो फिर मैं बोले नहीं सकूँ तेलो जैसे चलाना है छत्तीसगढ़ की जनता के तोला ख्याल नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता के जान ल जोखिम में डाल के भी जन सुनवाई कराना है तो तोला तोर मुबारक जन सुनवाई लेकिन मैं रवि भगत अगर विरोध करत